शाहदरा जिले के कस्तूरबा नगर में डीडीए ने सड़क की जमीन पर बने अवैध मकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले 22 मई को डीडीए की तरफ से कार्यवाही की गई थी, लेकिन कोर्ट से एक हफ्ते का स्टे मिलने के बाद डीडीए कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। स्टे की समय सीमा समाप्त होने के बाद सुबह एक बार फिर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में डीडीए की टीम पहुंची और बाकी बचे मकानों जो कि झोपड़ियों और अवैध कब्जे को हटा दिया गया। कार्यवाही के मद्देनजर कस्तूरबा नगर में धारा 144 लगा दी गई है, साथ ही जगह जगह बैरिकेडिंग कर पुलिस बल के अलावा अर्धसैनिक बल को भी तैनात किया गया था। बताया जा रहा है कि जिन मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है, वह मकान सड़क की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए थे। सड़क को बनाया जाना है, जिसकी वजह से जमीन को खाली कराया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया है कि वह लोग दशकों से जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। उनकी कई पीढ़ियां यहां रह चुकी हैं, लेकिन अब इस जमीन को सरकारी बताकर उन्हें बेघर कर दिया गया है। के नोटिफाई नहीं हुआ है, नोटिफाई की क्या गलती हम लोगों की है? ये नोटिफाई किसने करना था? हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी शायद हमारे से यही चीज मांगेंगे कि नोटिफाई हो रखी है कि नहीं। ये हम लोगों की गलती है या उन सरकार की गलती है, ये बताओ। हमारे को इस चीज की समझ नहीं आ रही। अगर सरकार की गलती है तो इस हमें सजा क्यों मिल रही है? हमें क्यों सजा मिल रही है इस चीज की कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं? मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, हमें क्यों सजा दे रहे हैं? गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कौर है। सुरेंद्र जी, कब सुरेंद्र यहाँ रह रहे हैं? हमें सर 70 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। हमारे ससुर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन हुआ था, जब से हमारे ससुर यहाँ पे आए थे, हमारे बेटे हमारे पतियों की शादियाँ, हम शादी करके इसी घर में आए थे। हमारे आज बच्चों की शादियाँ भी हो गई, हमारे पोते पड़पोते भी हो गए, लेकिन आज इन्होंने सरकार ने हमें यहाँ तक आज पहुँचाया, हमें बड़े दुख की बात है। हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने हुए हैं, हमारे सब बिजली पानी के बिल हम इतने सालों से देते आए थे, जब तक इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि तुम अन्नी गलो, तुम यहाँ के कोई कोई कानून के सब नहीं हो। लेकिन आज हमें एकदम ब्रिजपात आ गया, हम सोच भी नहीं सकते। हम देखो ये मकान टूटने पे नहीं आ रहा, मैं उसी मकान की लेडीज हूँ, टूटने पे 55 लाख हम लोगों ने लगा रखे हैं। लेकिन जब हम बना रहे थे, जब सरकार कहाँ गई थी? जब क्यों नहीं उन्होंने कहा कि तुम ये गैर कानूनी जगह तुम यहाँ पे मत बनाओ? हमें उसी समय रोक देते, उस समय क्यों नहीं रोका हमने? आज इतना होने के बाद भी आज मेरे पड़पोते भी हो गया, आज ये हम स्टेप उन्होंने उठाया और इन शिवम इनक्लेव वालों ने ये दीवार आगे बना के जिससे हमारे घर टूटे। पहले भी कई साल पहले भी ये सड़क नापी थी इन्होंने, लेकिन उस समय ये हमारा घर बच गया था। उस समय ये इधर का कोई घर किसी का नहीं टूटा था और सड़क उन्होंने बड़े तरीके से डीडीओ वालों ने निकाली थी। लेकिन अब ये 1-2-3 साल से इन लोगों ने हमको हमें उठवाया, इन लोगों की गलती इन लोगों ने की, सजा हम लोग भुगत रही है। आपको क्या लगता है तो जो शिवम इंक्लेव है, इनकी जो दीवार है ये गलत है? जी हाँ, जी हाँ गलत है सर। सर इस गलत की दीवार से ये जो कोना आप देख लीजिए, इस कोने के से हम लोगों को बहुत नुकसान हो। आप देखो हम लोग सड़क पे बैठ गया, ये लोग जो झुग्गियों बेचारे उन्हीं के घरों में काम करके आते थे, उन्हीं को सफाई बर्तन उन्हीं को काम करके आज उन्हीं लोगों ने इन लोगों को सड़क पे बिठवा दिया। सर एक क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदीप सिंह है जी। गुरदीप जी, ये जो आज टूटा है क्या टूटा, क्यों? ऐसा है जी, हमारे पूर्वज यहीं रह रहे थे और 1952 से हमारे पूर्वज यहाँ रह रहे थे, और जबकि 1984 से तो मैं खुद रह रहा हूँ। हमने यहाँ पे हमारे प्रॉपर्टी टैक्स का जो 1960 का हमने एक बिल भी दिखाया गवर्नमेंट को और कोर्ट में भी दिखाया, लेकिन सब किसी काम नहीं आया हमारे। और आप लोग विधायक के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमें एक लेटर लिख के आश्वासन दिया है कि आपको रिहैबिलिट किया जाएगा, लेकिन रिहैबिलिट करने से पहले ही हमारे घर ध्वस्त कर दिए गए। अब हमारे सब छोटे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं, कैसे करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो सड़क है, ये रोड है, जब हम 1952 से रह रहे हैं, जब तक इस सड़क की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आज हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस सड़क की ज़रूरत क्यों और कब किस लिए पड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है सर, ये मास्टर प्लान में जो जब से रोड है, तो मतलब क्या आपने तब इसका विरोध नहीं किया या क्या कहना? हमने बहुत विरोध किया, और जैसा कि हमें पता चला है ये किसी मास्टर प्लान में नहीं है और किसी भी प्लान में नहीं है। अगर किसी भी मास्टर प्लान में होता तो ये 1952 से अब तक क्यों नहीं देखा गया? और जैसे ही अभी डीडीए या पीडब्ल्यूडी कोई भी बोल रही है कि लैंड हमारी है, तो जब हम यहाँ जब से रह रहे थे और जब हम बना रहे थे, तब भी तो आके रोक सकते थे ना।
तब भी उन्होंने नहीं रोका हमारे को। हमारे पूर्वज यहीं रहे, हम यहीं पैदा हुए, तीन तीन पीढ़ियाँ चार चार पीढ़ियाँ रह के चले गए। क्या लगता है आपको जो नज़दीक का जो इलाका है, ये बाउंड्रियाँ हैं, क्या ये लीगल हैं जिस तरह से अब देखी जा रही? कुछ लोग इसका भी बता इसके इस ये हमारे हिसाब से तो अनलीगल है। अगर सड़क निकलना ही चाहिए था तो ये सड़क ये जगह खाली पड़ी हुई है। ये भी इंक्रोचमेंट है, ये भी इंक्रोचमेंट है। अगर रोड निकालना ही था तो ये हमारे घर ध्वस्त ना करके सड़क इधर से भी निकल सकती थी, जबकि उधर तो पार्क तो है। इससे हमें ये लगता है कि या तो पॉलिटिकली प्रेशर या जो भी समझा जाए, लेकिन हमारे साथ ये अन्याय हुआ, हमारे बच्चों के साथ हमारे साथ ये अन्याय हुआ। हम तो अपने आपके माध्यम से अपने विधायक जी से अब यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन कम से कम हमें और हमारे बच्चों को रिहैबिलिटेट किया जाए, रहने के लिए स्थान जगह दी जाए, यही हमारी प्रार्थना है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।